अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आए हमारे साथ हमारे नए व्लॉग को इंजॉय करें। जी तो इस बार रूम की डीप क्लीनिंग किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, ईद पे भी नहीं कर सके, बहुत सारे मसाइल थे सेहत के भी और मसरूफियत के भी और बच्चों के एग्ज़ाम्स के भी, तो अब सब चीज़ों से फ्री थे। लेकिन फिर हब्स के इतने शदीद दिन हैं कि उठ के एक्स्ट्रा कोई भी काम करने को जी नहीं करता। वैसे भी जब इंसान ने ज़्यादा टाइम लेटे रहना होता है तो लेट के उसकी एक्टिविटी क्या हो सकती है। मुझे मोबाइल यूज़ करने की आदत है, लेट के ही काम करती हूँ मैं सारा चैनल का, तो जब फ्री होती हूँ तो उसमें भी लेट के अपने गिर्दो नवा का जायज़ा लेती रहती हूँ। तो पेलिंग पे बारीक बारीक जाले जो है वो नज़र आना शुरू हो गए थे, जिसका मतलब था कि अब रूम जो है वो डीप क्लीनिंग मांगता है। तो स्पेशल सफाई ये इसलिए है कि इस वक्त रात का एक बजा है, औरंगज़ेब की कॉल आई कि वो लेट हैं, जॉब से लेट आएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त का फ़ायदा उठाया जाए। वैसे भी लाइट जाने की कोई टाइमिंग नहीं है और पानी का तो हमारी तरफ हमेशा से ही मसला रहा है, तो इस वक्त में पानी भी अवेलेबल था और लाइट भी आ रही थी, तो मैंने मानो से कहा कि चलें उठ जाएँ, कमर बांध लें और लग जाएँ सफाई पर। तो बस फटाफट पहले पैलिंग साफ़ की, फिर जाले साफ़ किए, और पंखा तो इस दफ़ा इंतहाई गंदा था। वजह यह थी कि हब्स की वजह से उस पर जैसे बर्तनों पे चिकनाई जम जाती है, इसी तरह इस पर भी गंद जमा हुआ था। तो उसकी सारी सफाई की अच्छे से, फिर अलमारी साफ़ की, वहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें साफ़ की। जब ऊपर जाले साफ़ किए जाएँ तो नीचे काफ़ी गंद गिर जाता है। चलें बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले ये देखें, ये मेरा फेस वॉश है। इसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपसे शेयर किया था तो मुझे एक कमेंट आया था कि इसका नेम ज़रा क्लियरली दिखा दें, तो ये मैंने दिखा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर सारे फर्नीचर की, टेबल की अच्छे से डस्टिंग की, उसके बाद बेडशीट, तख्त कवर, सोफ़ा कवर सारे चेंज करने के बाद फिर मानो ने फ़र्श की अच्छे से सफाई कर दी। सफाई करने के बाद रात को 2:30 बजे हम फ्री हुए और बहुत खुश हुए कि हमने अपना मिशन कम्प्लीट कर लिया है। और ये थी हमारे रूम की फाइनल लुक। और नहीं नहीं सफाई मुकम्मल होने की इतनी खुशी नहीं है कि मिठाई मंगवा के ही खाना शुरू कर दें। शांजे हमारी तरफ आई थी ये मज़ेदार सी स्वीट्स लेके, क्योंकि उनके भाई के माशाल्लाह से मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर आए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है। तो हम सब ने मिल के ये मज़ेदार सी स्वीट्स चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय की। मौसम की बात करें तो मिक्स कैफियत चल रही है मौसम की, बारिशें भी होती हैं, गर्मी भी हो जाती है, हब्स भी हो जाता है, किसी वक्त में पंखों की हवा ठंडी भी लगने लगती है। तो अल्लाह पाक बस खैरियत वाला और रहमत वाला मौसम रखे सबके लिए। अब आ जाते हैं घर में खाने पीने के रूटीन की तरफ। एक दिन घर में बीफ मसाला बनाया था जिसका गोश्त ओवर कुकड हो गया, तो उसको हमने फिर रीयूज़ कर लिया था, राइस बना के इस्तेमाल कर लिया था, बहुत मज़े के राइस बने थे। फिर साथ में आलू शिमला मिर्च का सालन बनाया था और ये मज़ेदार दार सी बीफ निहारी भी बनाई थी जो घर में सबको पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह। और जी इन दिनों में ये सानहा भी पेश आया मेरे साथ कि मेरी कैंडी क्रश गेम डिलीट हो गई। फेसबुक के साथ कनेक्टेड थी लेकिन मेरे से कनेक्ट नहीं हुई, वो रीस्टार्ट हो गई। गेम डिलीट होने को सानहा मैंने इसलिए कहा कि देखे मेरा करंट लेवल कौन सा चल रहा था। सदमा तो ये बहुत बड़ा था लेकिन मैंने महसूस किया कि इस दफ़ा मुझे उसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका है, तब मैंने बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रेस लिया था और फिर मैंने काफ़ी टाइम तक कोई भी गेम डाउनलोड नहीं की थी कि मुझे नहीं खेलनी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, मैंने इसे रीस्टार्ट किया और शुरू से 30 लेवल्स फर्स्ट गो में खेल के उसकी खुशी को महसूस किया। तो जो चीज़ें बार बार आपके सामने पेश आती हैं आपको उन्हें सहने का हौसला आ जाता है, ये ज़िंदगी का असूल है, इसी के साथ हम सबको चलना पड़ता है। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।